हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पे हम जानेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बैकग्राउंड हम जानेंगे, इसमें फिनोमेनन क्या होता है, एक्चुअल में ये फिनोमेनन क्या है, इसकी मैथमेटिक्स क्या है, और इसके चलते फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के हेल्प से आगे फर्दर क्या क्या डिस्कवरी हुई और क्या क्या साइंटिफिक इनोवेशन हुए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के पीछे, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। यहाँ पर हम डेफिनेशन समझेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसके बाद में इसकी मैथमेटिक्स समझानेंगे और इसके चलते क्या नई थ्योरी आई वो चीज़ें हम जानेंगे, और क्या क्या चीज़ों का इन्वेंशन के लिए या और कौन कौन से इनोवेशंस के लिए यहाँ से आइडिया लगा है। और यहाँ से दरअसल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करो ना, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत बड़ा फाउंडेशन आपके मॉडर्न फिजिक्स को जानने के लिए, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स, क्योंकि क्वांटा का सबसे पहले आइडिया यहीं से लगा था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही लगा था, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसको मैं फोटोइलेक्ट्रिक PE इफेक्ट, ये है क्या चीज़। देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक वर्ड जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक, इसमें दो वर्ड्स हैं, फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। फोटो मीन्स होता है आपके पास में लाइट, और इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज से रिलेटेड। तो लाइट और चार्ज के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो पड़ा रहता है किसके अंदर में, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले 1887 में एच हार्ज ने स्टडी किया था, इसको एच हार्ज ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी किया था 1887 में। लेकिन 1887 में एच हर्ज ने इसको स्टडी किया था और इसके खाली ऑब्जर्वेशंस लिए थे, और उस टाइम पे इतनी सारी थ्योरीज नहीं आई थी कि इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा सकें। तो है जो हर्ज जो थे वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा नहीं पाए थे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया था 1905 में आपके जो बहुत ही फेमस नाम है आइंस्टाइन, ठीक है, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन्होंने समझाया था, इन्होंने बताया था कि एक्चुअल फिनोमेनन है क्या, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, और इसके लिए क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट यहाँ से प्रपोज की थी। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको जानते हैं तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट समझ में आती है, और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट समझ में आती है इसके बेसिस पर आपका आगे क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स के दम पर ही तो आज आपका जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, जो कम्युनिकेशन वगैरह है, या आपके मोबाइल में सेल फोन है, हाथ में रिमोट है, जो कम्युनिकेशन वगैरह, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन 128 GB जो एक मेमोरी चिप होता है, इसमें सब में क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से भी, और जो साइंटिफिक इनोवेशंस हुए इसके बाद में, ठीक है, इसके लिए ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि एच हर्ज ने तो इसको स्टडी किया था, इसके ऑब्जर्वेशंस लिए थे, और उस ऑब्जर्वेशंस को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने इसको समझाने के लिए अपनी थ्योरी दी थी, जिसको हम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या चीज़। देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, वो है आपके पास में स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस अपॉन एक्सपोजर टू लाइट, या ये कह सकते हैं कि किसी मेटल के सरफेस पे, ये कोई मेटल है, इस मेटल की सरफेस पे आप क्या डालो, इस टाइप से आप
ये लाइट डालिए आप, तो यहाँ से जब लाइट डालते हैं तो यहाँ से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। इस मेटल सरफेस पे लाइट डालिए, लाइट डालने पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यही इफेक्ट है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो लाइट और इलेक्ट्रॉन फोटो, फोटो और इलेक्ट्रॉन्स निकले मतलब चार्ज निकला, ये आपका इलेक्ट्रिक, तो ये जो इफेक्ट है ये है आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिफिनेशन हो गया एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस अपॉन एक्सपोजर टू लाइट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, हर्ज ने और उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था किसने, आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एक डेफिनेशंस की बातें करेंगे, डेफिनेशंस जो हैं उनको जानेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फोटोन क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए फोटोन जो नाम दिया था ये दिया था आइंस्टाइन ने, लेकिन आइंस्टाइन ने नाम दिया था जो फोटोन का जो कंसेप्ट था वो सबसे दिया था किसने, पहले दिया था किसने, प्लैंक ने। प्लैंक का क्या कहना था, प्लैंक का ये कहना था कि लाइट जो है ना, लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी जो है वो बंडल्स में है। उसके हिसाब से ये था, प्लैंक के हिसाब से ये था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वास्तव में एनर्जी पार्टिकल्स हैं, एनर्जी पैकेट्स हैं, एनर्जी बंडल्स या पैकेट्स हैं, ठीक है। और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को प्लैंक ने तो नाम दिया था क्वांटा या क्वांटम, ठीक है, क्वांटम, क्वांटा का या क्वांटम का मतलब होता है टुकड़ा, पीस किसी चीज़ का। और इसी क्वांटा या क्वांटम को नाम दिया आगे आइंस्टाइन ने नाम दिया क्या, फोटोन। तो प्लैंक और आइंस्टाइन के हिसाब से क्या था कि जो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो उसमें एनर्जी बंडल्स हैं, और उस एनर्जी बंडल्स में का जो एक बंडल का एनर्जी है उसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो होता है वो होता है आपके पास में प्रोपोर्शनल टू न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी जो आ गई वो आ गई आपके पास में प्रोपोर्शनल टू न्यू, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब कैलकुलेट किया प्लैंक ने कैलकुलेट किया था, ये एक नया एक कांस्टेंट दिया, और इस एच को बोल देते हैं हम क्या, प्लैंक कांस्टेंट। और एच का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.626 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, ये एच का वैल्यू होता है। तो प्लैंक ने क्या कहा कि जो फोटोन का एनर्जी होता है वो होता है इक्वल टू एच न्यू। आपको पता है ये वेव इक्वेशन होती है वो होती है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी है आपके पास में वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा है वेवलेंथ। तो यहाँ से न्यू इक्वल टू आ जाएगा क्या सी ओवर लैम्डा, और यहाँ से न्यू का वैल्यू उठा के रखोगे तो इक्वल टू आएगा क्या एच सी बाई लैम्डा। ये है आपके पास में, ये दोनों चीज़ें हैं, ये हैं आपके पास में एनर्जी ऑफ फोटोन, ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या आएगी आपके पास में, एनर्जी ऑफ वन फोटोन आई आपके पास में एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो एनर्जी ऑफ एक्स फोटोन्स क्या आनी चाहिए, एक्स टाइम्स एच न्यू या एक्स टाइम्स एच सी बाई लैम्डा, ये एक्स फोटोन्स की आ जाएगी आपके पास में एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या था इसके हिसाब से, प्लैंक और आइंस्टाइन के हिसाब से क्या था, उनके हिसाब से ये था कि ये कोई आपके पास में लाइट सोर्स है, मान लीजिए आपके पास में ये बल्ब है जिससे क्या निकल रही है
लाइट निकल रही है। तो वास्तव में यहाँ से क्या निकल रहे हैं, यहाँ से एनर्जी बंडल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे जैसे इस तरफ ये लाइट आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी बंडल्स हैं, या एनर्जी बंडल्स भी क्या बोलोगे, एनर्जी पैकेट्स बोलो, एनर्जी क्वांटाज बोलो, ठीक है, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स हैं, या यही एनर्जी पैकेट्स को आइंस्टाइन ने क्या नाम दिया, फोटॉन्स। पे प्लैंक ने पहले कॉन्सेप्ट दिया था, 1900 में प्लैंक ने कॉन्सेप्ट दे दिया था। प्लैंक ने नाम रखा था क्वांटा या क्वांटम, और आइंस्टाइन ने नाम रखा इसको क्या, फोटोन। तो ये तो है एक फोटोन की एनर्जी, ठीक है। एक आप जानिए लाइट के बारे में, लाइट के बारे में आप जानिए इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है जो कोई भी लाइट सोर्स है उसका इंटेंसिटी जो होता है वो होता है पावर एमिटेड पर यूनिट सरफेस एरिया। इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट सोर्स इज पावर एमिटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। और यदि किसी मेटल सरफेस के ऊपर यदि ये इंटेंसिटी गिर रही है, लाइट यदि किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिर रही है, तो कितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट हो जाएगी, ये इंसिडेंट पावर को बोल देंगे। तो इंटेंसिटी जिसको आई से लिखते हैं, ये हो जाएगी आपके पास में पावर इंसिडेंट। जैसे ये आपके पास में इतना बड़ा सरफेस है किसी मेटल का, ये इस सरफेस है, तो और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और इस पर कोई पावर गिर रही है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए इसको क्या कर दो, आप एरिया से डिवाइड कर दो। आपको पता है कि पावर जो होता है वो होता है आपके पास में एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से इंटेंसिटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास में एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट अपॉन यूनिट एरिया ऑफ ए मेटल इन यूनिट टाइम इज नॉन एज इंटेंसिटी, ठीक है। एक यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वही हो गई क्या, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे फोटो इंटेंसिटी क्या है, फोटो इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी आपके पास में नंबर ऑफ फोटॉन्स, जैसे आप मेटल पे लाइट गिरा रहे हो ना, तो लाइट गिरा रहे हो तो वास्तव में क्या गिरा रही है, आप मेटल पे ऐसे लाइट गिरा रहे हो, तो लाइट गिरा रही है तो क्या गिरा रहे हो, फोटॉन्स गिरा रहे हो। तो फोटो इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये हो गई आपके पास में क्या, फोटो इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये हो गई क्या, इंटेंसिटी, फोटो इंटेंसिटी। अब यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स ये हैं, तो आप इंटेंसिटी और फोटो इंटेंसिटी में कैसे रिलेशन निकालोगे। देखिए जो एनर्जी जो आ जाएगी, एनर्जी जो आ जाएगी वो आती है क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एच सी बाई लैम्डा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो यहाँ से दोनों को एरिया और टाइम से आप डिवाइड कीजिए, तो एनर्जी अपॉन टाइम एरिया इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम इंटू एरिया इंटू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से ये तो क्या आ गई, इंटेंसिटी इक्वल टू फोटो इंटेंसिटी इंटू एच सी बाई लैम्डा। ये इंटेंसिटी और फोटो इंटेंसिटी में आ गए अपने पास में क्या, रिलेशन। एक ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन का क्या डेफिनेशन है। देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जैसे ये आपके पास में मेटल है, और इस मेटल के ऊपर ये गिरी क्या, लाइट, और ये लाइट गिरी और यहाँ से निकला क्या, इलेक्ट्रॉन। तो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी मेटल के ऊपर लाइट स्ट्राइक करने पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको बोल दिया क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया अपने पास में फोटो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपके पास में फोटो करंट क्या है, फोटो करंट क्या है, फोटो करंट क्या है। जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल रहे हैं कि आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स ये आपके इधर फ्लो कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज। और जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या होती है, वो करंट होती है। तो करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के चलते जो करंट फ्लो हो रही है उसको बोलते हैं हम क्या, फोटो करंट। करंट फ्लोइंग ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज फोटो करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के चलते जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं क्या, फोटो करंट। नेक्स्ट आती है आपके पास में फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ये होती है कि जैसे इसका एरिया ए है और यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकले ए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो निकले तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ मेटल इन यूनिट टाइम इज, ये क्या है आपके पास में, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये है आपके पास में क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। यूनिट टाइम यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो हो गए क्या, फोटो इंटेंसिटी। तो यहाँ से अपने पास में क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ से आपके पास में अपने पास में चीज़ें क्लियर हो गई क्या, फोटोन जो एनर्जी पार्टिकल है, एनर्जी ऑफ फोटोन hc/λ, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में अपने पास में क्लियर हो गया कि यदि एक फोटोन की एनर्जी hc/λ तो एक्स फोटोन्स की एनर्जी होगी क्या, एक्स टाइम्स hc/λ, ये क्लियर हो गया। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो लाइट गिरने पे जो इलेक्ट्रॉन निकल के आता है वो हो गया आपके पास में क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन। और क्या क्लियर हो गया, फोटो करंट जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो उसके चलते जो करंट आती है वो हो गई आपके पास में क्या, फोटो करंट। इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी है मेटल के यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वो हो गई क्या, इंटेंसिटी। या मेटल के यूनिट एरिया पे जो पावर इंसिडेंट होती है, ठीक है, या तो आप ये कह लो कि अमाउंट ऑफ पावर इंसिडेंट अपॉन यूनिट एरिया ऑफ मेटल, या आप ये कह लीजिए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑफ मेटल, ये है कोई क्या, इंटेंसिटी। फोटो इंटेंसिटी क्या है, फोटो इंटेंसिटी है कि ये जो एनर्जी के जो पैकेट्स हैं जो फोटॉन्स का नंबर है तो यूनिट टाइम पे यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन्स गिर रहे हैं, ये है आपके पास में क्या, फोटोन, ये फोटो इंटेंसिटी। उसके बाद में फोटो करंट हो गया आपके पास में, ये हो गया। एक होता है फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी क्या है, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं
तो मेटल के यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यूनिट टाइम पे, वो होते क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। ठीक है, जो यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते क्या आते हैं, वो होते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर अपने पास अब तक हो गई है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ऑब्जर्वेशन क्या थे। ऑब्जर्वेशंस पहले हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करते हैं, क्योंकि ये करंट मेजर करना, फोटॉन्स का नंबर मेजर करना, ये सब कोई इतनी इजी बात चीज़ें तो है नहीं। तो उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था? एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो उसका इस टाइप से था, सेटअप जो था वो इस टाइप से था कि इस टाइप से एक ग्लास की ट्यूब ली थी उसने, हर्ट्ज ने, हर्ट्ज के थे ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज समझा नहीं पाया था, ऑब्जर्वेशन पूरे हर्ट्ज के थे। और यहाँ पे क्या किया था कि ऐसे दो मेटल प्लेट ले ली थी और इस ग्लास की ट्यूब पे इस तरफ से डाले थे क्या, ये डाल दिए क्या, लाइट डाल दी यहाँ पे। अब लाइट डाल दिए तो यहाँ से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकले इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे क्या निकाल लगा दिया, ये कि एमिटर लगा दिया। एमिटर जो लगाया वो क्या करेगा, यहाँ से फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा, और करंट को मेजर करेगा तो टाइम से मल्टीप्लाई करके हमें चार्ज निकाल लेंगे, और जब चार्ज को हमें पता चलेगा तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज से डिवाइड करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। तो दरअसल एमिटर का मतलब क्या था, एमिटर का मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से काउंट करना। और यहाँ पे हमने इसको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमने एक वेरिएबल वोल्टेज वाली बैटरी लगाई थी, ध्यान रखना वेरिएबल वोल्टेज वाली ये बैटरी लगाई। यहाँ से इस मेटल सरफेस पे लाइट गिरी, मेटल सरफेस पे लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हुए ये आया, इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे पहुँचा, प्लेट पे इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ, वापस इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो हुआ और इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इस तरह पे चला गया। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गया तो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इस टाइप से फ्लो कर गई। ये था इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की का हर्ट्ज का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो। ठीक है, अब हर्ट्ज के यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या थे। हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन ये था कि हर्ट्ज ने शुरुआत में लो फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट किया, हर्ट्ज ने स्टार्ट किया था कहाँ से, लो फ्रिक्वेंसी से। और जब लो फ्रिक्वेंसी से उसने स्टार्ट किया तो हर्ट्ज ने देखा कि स्टार्टिंग में जब फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इसको आप ऐसे समझिए कि जो अपने पास में जो विजिबल लाइट होती है उसके जो सात कलर होते हैं, विद्योर से जो आप लिखते हो, आप विद्योर से लिखते हो ना, तो इसका जो होता है फ्रीक्वेंसी, इस तरफ आने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, ठीक है, और इस तरफ आने पे वेवलेंथ बढ़ता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो न्यू है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम लैम्डा वाला कोई जो इन सातों कलर में से जो है वो है आपके पास में वायलेट, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम लैम्डा वाला जो कलर है वो है आपके पास में क्या, रेड कलर। ये आप ध्यान में रखिएगा लाइट के बारे में। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, वायलेट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, रेड की। तो हर्ट्ज ने क्या देखा, हर्ट्ज ने ये देखा कि हर्ट्ज ने फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेड कलर से स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन लेना, तो रेड की ये कोई मेटल है और इस मेटल पे उसने क्या गिराया, अलग अलग कलर गिरवाए, तो रेड कलर की लाइट डाल के देखी तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, और बहुत ज़्यादा लाइट डाल के देखी तो नहीं निकला, तो फिर नहीं निकला भले कितनी भी ज़्यादा लाइट डाल लो रेड कलर की। उसके बाद में ऑरेंज कलर की डाल के देखी तो मान लीजिए ऑरेंज कलर में भी नहीं निकला। उसके बाद में उसने डाली किसकी, येलो कलर की लाइट की, येलो में भी नहीं निकला। उसके बाद में उसने डाली मान लीजिए ग्रीन कलर की, ग्रीन में भी नहीं निकला। उसके बाद में डाली उसने ब्लू कलर की, और ब्लू कलर की लाइट पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यदि ब्लू कलर की लाइट पे इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया, इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गया मतलब करंट फ्लो हो गई, तो यदि ब्लू पे फ्लो हो गया तो इंडिगो पे भी फ्लो होगा, और इंडिगो पे होगा साथ ही साथ वायलेट पे भी इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो होगी। ठीक है,
तो यहाँ से उसने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ से उसने ये देखा कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के नीचे, बिलो ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को बोला न्यू नॉट, थ्री सोल्ड फ्रिक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। उसका यह कहना था कि यदि इंसिडेंट लाइट का फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यदि उस कट ऑफ या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से नीचे है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, और यदि इंसिडेंट लाइट का फ्रिक्वेंसी है न्यू, और ये न्यू नॉट है आपके पास में थ्रेशोल्ड या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यदि इंसिडेंट लाइट का फ्रिक्वेंसी इस न्यू नॉट से ऊपर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यू नॉट के ऊपर या इसके बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ये बाउंड्री कंडीशन है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है, ठीक है। तो यहाँ से एक डेफिनेशन दे दी गई कि मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच कॉजेज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। एक चीज ध्यान में रखना कि न्यू और इसमें रिलेशन होता है लैम्डा में, क्या होता है न्यू इक्वल टू सी लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, सॉरी ये गलत है रिलेशन, हमने गलत लिख दिया, ये नहीं होता, रिलेशन जो होता है वो होता है आपके पास में सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, ये होता है रिलेशन, तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा सी ओवर न्यू। तो दूसरा चीज़ ये था कि एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए ना, तो ये कह सकते हो कि मैक्सिमम क्या चाहिए लैम्डा, ठीक है। तो ये उसका ये कहना था कि यदि वेवलेंथ जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के नीचे है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, भाई पर्टिकुलर वेवलेंथ के नीचे वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के ऊपर है फ्रिक्वेंसी या बराबर होगा तो भी होगा, और यदि ये वेवलेंथ इससे ज़्यादा हो गई लैम्डा नोट से तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ये इसका ऑब्जर्वेशन था, पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो लैम्डा नोट जो था इसको बोला कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, और इसको निकालने का फॉर्मूला लैम्डा नॉट इक्वल सी इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू सी बाई न्यू नॉट, ठीक है, ये लैम्डा नॉट निकल आएगा। तो क्या ऑब्जर्वेशन था कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसके नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, या फिर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा उसके ऊपर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, और वो जो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी उसको बोला कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, और जो पर्टिकुलर वेवलेंथ उसको बोला कट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, यदि हम ऐसा करें कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी कर दें कि लाइट, मान लीजिए हम रेड लाइट पे काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रेड लाइट हम डाल दें तो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, यदि कम इंटेंसिटी से नहीं हो सकता तो ज़्यादा से भी नहीं हो सकता, यदि एक फ्रिक्वेंसी पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता तो डजेंट मैटर इंटेंसिटी कितनी भी हो जाए उस कलर पे, जब तक आप फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं करोगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका यदि आप ग्राफ बनाना चाहो तो ये आपका फ्रिक्वेंसी और ये आपका करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखा कि शुरुआत में कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है और एक पॉइंट पे आते, मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ इसको कलर चेंज करके बना देता हूँ। शुरुआत में कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है और एक पर्टिकुलर न्यू नोड पे आते ही अचानक से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, और उसके बाद में यदि आप कितनी भी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लो जो करंट जो हो जाएगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके पास में जैसे रेड कलर के केस में मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, सॉरी रेड पे नहीं, जैसे आप ये देखें, ये जैसे ब्लू कलर पे मान लीजिए 100 निकले
तो ये इंडिगो पे 200 निकलेंगे या वायलेट पे 300 निकलेंगे, ये 100 ही रहेगा, प्रोवाइडेड कि इस प्रोसेस में फोटोन इंटेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, फोटोन इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यदि फोटॉन्स का नंबर कांस्टेंट है तो करंट चेंज नहीं होती है, या यदि फोटॉन्स का नंबर कांस्टेंट है तो जो फोटॉन्स का नंबर यदि कांस्टेंट है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसके नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज नहीं आता है तो करंट में भी कोई चेंज नहीं है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है यहाँ से, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का, जो काइनेटिक एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी और फोटो इंटेंसिटी, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। यदि आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दिया, यदि आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख दिया तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि करंट वर्सेस फोटो इंटेंसिटी की बात करो, फोटो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहाँ पे दो केस थे, दो केस ऐसे थे, पहला केस तो ये था कि यदि आपने जो फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट लाइट की, यदि वो लेस देन उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से नीचे है तो कुछ भी हो जाए कोई करंट फ्लो नहीं कर सकती, डजेंट मैटर कि आप कितने भी फोटॉन्स वहाँ पे डाल लीजिए। दूसरा ये था कि यदि फोटॉन्स का नंबर सेम है, फोटॉन्स का नंबर सेम है और न्यू जो है वो अबव न्यू या न्यू नोट है तो इस केस में आपका करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नहीं ये करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, करंट इंक्रीज करेगा, सॉरी लीनियरली इंक्रीज करता है। ये ऑब्जर्वेशन ये था कि यदि आपके पास में न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट है तो जैसे जैसे फोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से करंट भी बढ़ता जाएगा। यदि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, यदि इंसिडेंट फोटोन की सॉरी का फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे है तो कितनी भी फोटो इंटेंसिटी हो जाए, कितने भी आप फोटॉन्स डाल दो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और यदि इंसिडेंट फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, फोटॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से लीनियरली करंट या फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा। दूसरा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था, और ऑब्जर्वेशन क्या था, और ऑब्जर्वेशन ये था उसका कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी फोटो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, एमिटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स। कैसे, इस टाइप से कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से निकल के जा रहा है। मान लीजिए कि ये आपने ब्लू लाइट डाली है, आपने ब्लू लाइट डाली और ब्लू लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब आप क्या करो, शुरुआत में 100 फोटॉन्स डाल रहे हो तो कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की। अब आप फोटॉन्स का नंबर बढ़ो 100 से 200 करोड़, 200 से 300 करोड़, 400 करोड़, तो फोटॉन्स का नंबर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करती है किस पे करती है, फ्रीक्वेंसी से,
डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इसके लिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ बनाया वो इस टाइप से ग्राफ आता है, ये इस टाइप से ग्राफ आता है आपके पास में। ये मैं नेक्स्ट में बना देता हूँ, ये इससे तो नहीं बनेगा। इरेज नहीं हो रहा है, चलिए नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं हम लोग। वो ये था काइनेटिक एनर्जी और इस तरफ है फ्रीक्वेंसी, ये काइनेटिक एनर्जी, इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ये जो ग्राफ था वो इस टाइप से था कि शुरुआत में, तो देखिए शुरुआत में जो था वो शुरुआत में जो था तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा था। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आके न्यू नोट पे आके इलेक्ट्रॉन निकला था। और उसके बाद में जैसे 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और इसको पीछे आप एक्स्ट्रा प्लॉट करो तो एक पॉइंट पर जाके काटता है, उसको बोलते हैं हम, ये होता है एच न्यू नोट। इसका मैं कैलकुलेशन आपको बता दूंगा। तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा होता है। तो यहाँ से अब तक के हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस में क्या चीज़ें रहीं, हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशंस में ये चीज़ें रही कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी पे। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू नोट के नीचे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, उसके बाद में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का किस पर डिपेंड कर गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड कर गए नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर गई किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन थे इनको क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से या जो मैक्सवेल के इक्वेशंस थे उनके हिसाब से नहीं समझाया जा सकता था। तो इसके लिए आइंस्टाइन ने प्रपोज की कौन सी, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ लाइट उन्होंने यहाँ से प्रपोज की आइंस्टाइन ने, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने क्या थ्योरी दी थी और आइंस्टाइन का क्या कहना था इन सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू, आप नेक्स्ट वीडियो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन जानने के लिए। थैंक यू।